नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। वक्त खबरों का। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार बनने जा रही भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। नई सरकार बनने से पहले विधायक दल की एक बैठक लोकभवन में 24 मार्च को होनी है, जिसमें विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। इस बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पर्यवेक्षक और रघुवर दास सह पर्यवेक्षक के तौर पर कल शाम लखनऊ पहुंच जाएंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद फिर 25 मार्च की शाम अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में योगी सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री मोदी सीधे इकाना स्टेडियम के परिसर में उतरेंगे, जबकि पहले उनको डायल 112 के हेलीपैड पर उतरना था। जिन लोगों को केंद्र की सुरक्षा उपलब्ध नहीं है, उन्हें लखनऊ पुलिस सुरक्षा मुहैया कराएगी। डीजीपी मुकुल गोयल ने इकाना स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस प्रबंध का जायजा लिया। डीजीपी ने वहां हेलीपैड का भी निरीक्षण किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर प्रवास के चौथे और अंतिम दिन स्वयं सेवकों और विचार परिवार के 1000 सदस्यों को कुटुंब प्रबोधन दे रहे हैं। संघ के इस कार्यक्रम में 1000 लोग उपस्थित हैं और 3 घंटे तक चलने वाले इस कार्यक्रम के लिए तैयारी सुबह से ही शुरू हो गई थी। संघ के पदाधिकारी और स्वयं सेवक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जी जान से जुटे हुए थे। इसके पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत माधव धाम राजेंद्र नगर के सुबह 9 बजे गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और वहां पर बाबा गोरखनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर माथा भी टेका। गोरखनाथ मंदिर में दर्शन के दौरान मोहन भागवत ने वहां कार्य करने वाले लोगों से भी मुलाकात की। गोरखपुर के 4 दिवसीय प्रवास पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 19 मार्च होली की शाम गोरखपुर के राजेंद्र नगर स्थित माधव धाम पहुंचे थे। देखिए, प्रेक्षागृह में जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख आदरणीय श्री मोहन भागवत जी का आगमन हुआ। पिछले 4 दिनों से वह गोरखपुर दौरे पर हैं, बहुत सारी बैठकें कर रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी आदरणीय भागवत जी से मिलने के लिए माधव धाम गए हुए थे। पिछले 4 दिनों से माधव धाम में रुके हुए हैं। उनका गोरखपुर में 5वां दौरा है। अभी तक 5 बार वह आरएसएस के प्रमुख बनने के बाद 5वीं बार गोरखपुर आए हुए हैं और पिछले 4 दिनों से गोरखपुर प्रवास पर, आज उनका 4था दिन है। और आज जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जितने भी विचार परिवार हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे प्रसार भारती हो, विद्या भारती हो, चाहे जितने भी राष्ट्रीय संघ के अनुसांगिक संगठन है, उन संगठनों के प्रमुख लोगों को और उनके परिवार के लोगों को भी मौका दिया गया है कि वे जाने कि हमारी आखिर में सनातन परंपरा क्या है, हमारे विश्व गुरु की परंपरा क्या थी, भारत किस महान जगह से उठा हुआ था, किस तरह से भारत विश्व गुरु था। इन सब सारी चीजों पर प्रकाश डालेंगे मोहन भागवत जी और काफी यहाँ कुछ सीखने को मिलेगा जो लोग आए हुए हैं उनको। समर्पित संगठन राष्ट्र इस स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ प्रेक्षागृह में पहुंच चुके हैं और प्रेक्षागृह में आप तस्वीरों में देखेंगे कि उनका काफिला प्रेक्षागृह में आ चुका है और अब से थोड़ी ही देर में मोहन भागवत इसी काफिले से प्रेक्षागृह में जाएंगे और बीते 4 दिनों से गोरखपुर में वो प्रवास पर हैं और गोरखपुर में जो है वो प्रवास के दौरान तमाम मीटिंग उन्होंने की, तमाम बैठकें की। आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे मोहन भागवत, आप देखें तस्वीरों में मोहन भागवत पहुंच चुके हैं प्रेक्षागृह में और प्रेक्षागृह के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे अभी थोड़ी ही देर में 1000 स्वयंसेवक परिवारों को वो यहाँ पे संबोधित करेंगे, यानी कि अपने संबोधन में वो बताएंगे कि किस तरीके से राष्ट्र सेवा करना है और विश्व को जो है विश्व में भारत को किस तरीके से प्रथम स्थान दिलाना है, इसको लेके किस तरीके से स्वयंसेवक काम करें, समाज में फैली कुरीतियों को किस तरीके से दूर करें और गांव में किस तरीके से अपने जो योग्यता है, अपनी जो जो समर्पण है, उसको किस तरीके से जो है हमको उसमें समर्पित होना है और किस तरीके से उसको लेके काम करना है, इन सारी बातों को लेकर अभी थोड़ी देर में वो यहाँ पे एक अपना उपदेश देंगे और यहाँ पे लोगों को बताएंगे कि हमें समाज सेवा किस तरीके से करना है, भेदभाव जो समाज में फैला है उसको किस तरीके से दूर करना है। आज मोहन भागवत का आखिरी दिन है और यहीं से वो कार्यक्रम करने के बाद बनारस के लिए रवाना हो जाएंगे। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर।
सोमवार को महामहिम रामनाथ कोविंद ने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान पद्मश्री अवार्ड लेने के लिए वाराणसी के 126 साल के स्वामी शिवानंद नंगे पैर पहुंचे। स्वामी शिवानंद को भारतीय जीवन पद्धति और योग के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री पुरस्कार लेने से पहले स्वामी शिवानंद पीएम मोदी को नमस्कार करने घुटनों के बल बैठ गए, जिसके बाद शिवानंद के भाव देखकर पीएम मोदी भी अपनी कुर्सी से उठकर शिवानंद के सम्मान में झुक गए। पीएम मोदी को नमस्कार करने के बाद स्वामी शिवानंद पद्मश्री पुरस्कार सम्मान लेने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सामने भी घुटनों के बल बैठ गए। स्वामी शिवानंद को अपने सामने झुका देखने के बाद राष्ट्रपति कोविंद अपने आगे आए और उन्हें झुककर उठाया। स्वामी शिवानंद के जमीन से जुड़े होने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिस पर गुलाम नबी आजाद ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अच्छा लगा किसी ने मेरे काम को पहचाना है। गुलाम नबी आजाद ने आगे प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश किसी भी काम को पहचानता है तो उससे और भी अच्छा काम करने की इच्छा मन में पैदा होती है और मुझे लगता है कि अच्छा है कि किसी ने मेरे काम को पहचाना है। इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि किसको मिला और क्यों मिला, ये पुरस्कार राष्ट्र की तरफ से दिया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि एक पद्म पुरस्कार किसी सरकार द्वारा नहीं देश के द्वारा दिया जाता है। जनरल बिपिन रावत, पीडीएसएम, वीडीएसएम, एवीएसएम, यूएसएमएस। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन उम्मीद से ज्यादा खराब निकला है। 403 सीटों में से कांग्रेस केवल 2 सीटों पर ही जीत सकी। ऐसे में यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को इस्तीफा देना पड़ा था। अब प्रियंका गांधी के यूपी प्रभारी पद से इस्तीफा की मांग भी उठने लगी है। दरअसल पार्टी के नेता और पूर्व प्रवक्ता जीशान हैदर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर ये मांग की है। जीशान ने पत्र में लिखा है कि यूपी में कांग्रेस की हार का ठीकरा सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष पर ही क्यों फोड़ा जाए, जबकि वे प्रियंका गांधी की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते थे। पहले के चुनावों का जिक्र करते हुए जीशान ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रदेश प्रभारी का इस्तीफा भी लिया जाना चाहिए। तो ये बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भारतीय जनता पार्टी से बसपा की मिली भगत से इनकार करते हुए दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव बीजेपी से खुलकर मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि अंबेडकरवादी लोग कभी भी सपा मुखिया अखिलेश यादव को माफ नहीं करेंगे। बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट कर कहा है कि यूपी में अंबेडकरवादी लोग कभी भी सपा मुखिया अखिलेश यादव को माफ नहीं करेंगे, जिसने अपनी सरकार में इनके नाम से बनी योजनाओं और संस्थाओं आदि के नाम पर अधिकांश बदल दिए हैं, जो अति निंदनीय और शर्मनाक भी है। बीजेपी से बीएसपी नहीं बल्कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह खुलकर मिले हैं। उन्होंने बीजेपी के पिछले हुए शपथ में श्री अखिलेश को बीजेपी से आशीर्वाद भी दिलाया है और अब अपने काम के लिए एक सदस्य को बीजेपी में भेज दिया है, ये जग जाहिर है। प्रयागराज में सिविल लाइन थाना पुलिस चौकी पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे मोर्चा के लोगों ने प्रदर्शन पूरे 31 राज्यों के 563 जिला मुख्यालयों पर 22 मार्च से शुरू किया है। बताया भी जा रहा है कि 18 अप्रैल 2022 को रैली प्रदर्शन होगा, साथ ही 25 मई 2022 को भारत बंद का आह्वान भी किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार की ओर से ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करने की विरोध किया है और इसके अलावा निजी क्षेत्रों में एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण लागू किए जाने की मांग उठाई है। यही नहीं, प्रदर्शनकारी लोगों ने एमएसपी की गारंटी कानून बनाकर किसानों को दिया जाए और साथ ही एनआरसी एनपीआरसीए का विरोध भी किया है। बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां सुबेहा थाना क्षेत्र के राजबापुर थलवारा गांव के एक 55 वर्षीय व्यक्ति को टीबी की गंभीर बीमारी थी, जिसकी सोमवार को तबीयत बिगड़ गई। परिजन व्यक्ति को लेकर सीएचसी हैदरगढ़ पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने व्यक्ति का इलाज शुरू किया, लेकिन व्यक्ति की हालत बिगड़ते ही कुछ देर में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने 108 पर कॉल किया और कॉल करने पर बताया गया कि शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है।
जिसके बाद परिजनों को मरीज के शव को बाइक पर ले जाना पड़ा। हालांकि अस्पताल के अधीक्षक का कहना है कि शव वाहन जिला अस्पताल में उपलब्ध रहता है, सीएचसी पर शव वाहन नहीं रहता है। शव को बाइक पर ले जाते हुए देख लोगों ने इसका फोटो भी ले लिया, जो वायरल हो रहा है और सरकारी तंत्र पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हमारे भाई की सांप चढ़ती रही है और उनके गुर्दा मानी कुछ खराबी रही है, दो इंजेक्शन दिया वहाँ पानी पे हमको बाहर निकाल दिया है। हम बाहर लेके चले, एम्बुलेंस वाले हमारे साथ नहीं दिया है, आए नहीं, फोन करते करते परेशान है कि नहीं आए, तो हम गाड़ी पे लेके आए ना, पनी अपन मोटरसाइकिल से लेके आए, क्या करो, मेरे पास साधन नहीं था, क्या करें, हम गरीब में नहीं, काहे से लाए हम। जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर ऐसी बात है तो वाकई ये घटना बहुत ही दुखद है। और जहाँ तक शव वाहन की व्यवस्था की बात है, जनपद में शव वाहन उपलब्ध है और तत्समय सूचना मिलने पर उसको आम नागरिक की सुविधा के लिए उपलब्ध कराया जाता है। हम इसका पता भी लगवाएंगे और जांच भी करवाएंगे कि शव वाहन किन परिस्थितियों में उसकी डिमांड नहीं की गई अधीक्षक के द्वारा, और अगर उनकी इसमें संलिप्तता पाई गई, उनकी लापरवाही में, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के 10वीं और 12वीं की परीक्षा 24 मार्च से आरंभ हो रही है। विध्यांचल मंडल के 280 परीक्षा केंद्र बनाया गया, जिसमें से 158,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इस बार प्रश्न पत्र को डबल लॉक में रखा गया है और परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी व्यक्ति के द्वारा मोबाइल लेकर जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया। आपको बता दें कि परीक्षा केंद्र पर विजिट के दौरान अगर कोई भी अधिकारी आता है तो उसे भी अपना मोबाइल केंद्र के पास जमा करना होगा। केंद्र पर सीसीटीवी के माध्यम से जिला और प्रदेश की टीम निरंतर निगरानी रख रही है। हमारे मंडल में 3 जिले हैं और इसमें लगभग 158,000 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, 22 दोनों, कुल 280 सेंटर हैं और हर सेंटर पर प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिकाएं पहुंचा दी गई हैं। जिला मजिस्ट्रेट्स की तरफ से स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगा दिए गए हैं, परिषद कार्यालय की तरफ से सेंटर सुपरिंटेंडेंट, एडिशनल सेंटर लगा दिए गए हैं। क्वेश्चन पेपर मेन बात जो है वो इस बार डबल लॉक में रखे गए हैं, एक चाबी केंद्र व्यवस्थापक के पास होगी और दूसरी अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक के पास होगी। पर डे पर्चा स्टैटिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में, उसकी देखरेख में ही खोले जाएंगे, वितरित किए जाएंगे। परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाएं पुलिस अभिरक्षा में संकलन केंद्र पर जाएंगी। 2 दिनों तक देहरादून में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार की समीक्षा की। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे की अध्यक्षता में 2 दिनों तक ये बैठक चली। बैठक में कांग्रेस की सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़े सभी जीते और हारे प्रत्याशियों से हार के कारणों पर फीडबैक लिया गया। अविनाश पांडे ने बताया कि हार की समीक्षा रिपोर्ट वो कांग्रेस हाईकमान को सौंपेंगे, जिसके बाद निर्णय लिया जाना है कि कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे ने कहा कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस जनता के बीच यहां के ज्वलंत मुद्दों को लेकर गई, लेकिन जनता का विश्वास हासिल करने में सफल नहीं हो पाई। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव की तुलना में कांग्रेस का इस बार मत प्रतिशत और सीटें दोनों में इजाफा हुआ है। अविनाश पांडे ने बताया कि बैठक में आने वाले लोकसभा चुनाव और पंचायत चुनावों को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस सभी विधानसभाओं में जाकर आगामी चुनावों के लिए तैयारियों पर जुट जाएगी। कांग्रेस बहुत ही सकारात्मक योजनाओं और प्रोग्राम के साथ में एक दृष्टिकोण लेकर जनता के बीच में गई, जिस आधार पर लोगों का विश्वास विकास के काम या पूर्व सरकार की विफलताओं से हटाकर मात्र इस प्रकार के बहकाने वाली जो बातें अफवाहों के माध्यम से और प्रदेश में एक सांप्रदायिकता का वातावरण फैलाने का के कारण जो एक बदलाव आया, तो निश्चित रूप से हमने स्वीकार किया है कि हमको हम उनका पूर्ण विश्वास बहुमत हासिल करने में असफल रहे, वो तो मैंने पहले ही स्वीकार कर लिया। और हम और उसके कारण निश्चित रूप से कि लोगों ने विकास के कार्यों को, महंगाई को, बेरोजगारी को छोड़कर सांप्रदायिक तर्क पर ज्यादा विश्वास किया। अब ये निश्चित रूप से लोकतंत्र का ये दुर्भाग्य है। यूपी में एक बार फिर से भाजपा सरकार को जनता का समर्थन मिला है, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत योगी सरकार के कुल 11 मंत्री चुनाव हार गए। ऐसे में बीजेपी आलाकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती योगी 2.0 की टीम यानी कि मंत्रिमंडल तैयार करने की है। ऐसे में आखिर कौन कौन है मंत्री बनने की रेस में, किसका कद बढ़ेगा और किसको मिलेगी नई जिम्मेदारी, क्या है बीजेपी की तैयारी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मैं
आदित्यनाथ योगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, साथ ही मजबूत सरकार बनाने की ताकत भी। लेकिन अब हर किसी को इंतजार इस बात का है कि जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद बहुमत के साथ सरकार बनेगी।